वेलकम टू अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुनील सर आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है ओवरहेड्स साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ओवरहेड का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सारा वीडियोस मैंने पहले ही डाल के रखा हुआ है। इसका जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एक मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड किस तरह से सॉल्व होता है वही हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले है। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अपना क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। गिवन ये ओवरहेड्स दिया हुआ है, ओवरहेड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके निकाला हुआ है। ए का 10,000 है, बी का 15,000, सी का 12,000 और एबीसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। फिर एक्स का 2500, वाई का 1000 और वाई सर्विस डिपार्टमेंट है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, जो सर्विस डिपार्टमेंट वाला ओवरहेड है इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड अभी सीखने वाले हैं उस मेथड का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड तब यूज होता है जब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे यहां पे बोला हुआ है कि एक्स जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये ए को 40% सर्विस दे रहा है, बी को 30%, सी को 20%, खुद को कुछ भी नहीं और वाई को 10% दे रहा है। और वाई जो है ए को 30%, बी को 40%, सी को 10%, एक्स को 20%, खुद को कुछ भी नहीं। इसका मतलब एक्स ने वाई को 10% सर्विस दिया एंड वाई ने एक्स को 20% सर्विस दिया। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करता हूं। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को सबसे पहले एज्यूम कर लेना है टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट वाई। कैसे, लेट टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई इक्वल्स टू वाई। ओके, ये एज्यूम कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या एक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स का खुद का कितना था 2500 प्लस वाई से 20% एक्स में आने वाला है, मतलब 20% ऑफ वाई। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा, एक्स इक्वल्स टू 2500 प्लस 0.2y, देयरफॉर x इक्वल्स टू लिख सकते हैं x माइनस 0.2y इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2500, दैट्स इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया, 0.2y को इस तरफ ले आया, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अगेन फिर क्या करना है आप लोगों को, y इक्वल्स टू y का खुद का कितना था 1000 लिया प्लस y में x का कितना परसेंट जा रहा है, x का 10% y को मिल रहा है, इसका मतलब 10% ऑफ x। यहां पे क्या था, y का 20% x को मिल रहा था इसलिए 20% ऑफ y किया, x का 10% y को मिल रहा है इसलिए 10% ऑफ x किया। अब इसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू 1000 प्लस 0.1x, इसको इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर माइनस 0.1x प्लस y इक्वल्स टू 1000, ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, ये x को इक्वल कीजिए। तो यहां देखोगा, देखना कि x है मतलब 1x, यहां पे 0.1x। तो एक काम करते हैं, इसका नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से, और इसका नंबर यहां पे कुछ नहीं बोला मतलब 1 होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0.1 इंटू एक्स 0.1x 0.1 इंटू 0.2 माइनस 0.02y 0.1 इंटू 2500 आया 250। अब 0.1 से 1, 2, 3 ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये हमारा इक्वेशन मॉडिफाइड हो गया 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.1x प्लस y इक्वल्स टू 1000। 1 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। अभी नॉर्मली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या प्लस 0.1x माइनस 0.1x कर दिया, क्या बचा,
यहां बचा आपका माइनस जीरो पॉइंट, ये क्या वाई में से माइनस जीरो पॉइंट वाई जीरो, वाई में से माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू वाई जाएगा तो आएगा आपका 0.98 y equals to 1250. Therefore, y equals to 1250 divided by 0.98 करेंगे तो आपका निकलेगा 127. मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूं. 1250 divided by 0.98 आएगा आपका 76. ये आपका आ गया किसका वैल्यू, y का वैल्यू आ गया. अभी सीधी सी बात है, y का वैल्यू को पुट कर देते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करते थे. इक्वेशन वन क्या था हमारा, x x माइनस 0.2y इक्वल्स टू 2500. तो x माइनस 0.2y का मतलब 1276 इक्वल्स टू 2500. अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस, ये आपका आने वाला है 1276 इनटू 0.2, ये निकलेगा 255 इक्वल्स टू 2500. Therefore, x equals to आएगा 2755. यहां से हम लोगों ने x का वैल्यू भी निकाल लिया, y का वैल्यू भी निकल चुका है, x का वैल्यू भी निकल चुका है. अब क्या करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट बनाएंगे. स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, आपको a लेना है, b लेना है एंड c लेना है, ठीक है. और लिखना है ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने शॉर्ट में लिखा है ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. तो कितना है ए का 10,000, बी का 15,000, सी का 12,000. 10,000, 15,000 and 12,000. अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है, एड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स. तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिस्टम था, एक्स का 40% ए को मिलेगा, 30% बी को मिलेगा, 20% सी को मिलेगा. तो वैसे ही कर देना है डायरेक्टली. कैसे, आपका यहां पे है एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम दिख रहा है, 2755 इनटू 40%, यह है आपका 1102. 2755 इनटू 30%, डायरेक्टली परसेंटेज कर देना है. आया 826 और थर्ड वाला है 2755 इनटू 20%, यह आया आपका 551. हमने क्या किया, ये x का जो 2755 था उसका 40% 30% एंड 20% ले लिया. अभी एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, तो y का फिगर कितना था हमारा 1276, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1276 into, इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज 30% 40% 10% 20% सॉरी 20% नहीं लेना, आपस में इसका ही करना है, into 30% कितना निकला 383. फिर 1276 into कितना परसेंट है b में 40%, आया कितना 510. और C का कितना निकलेगा 1276 इनटू 10%, ये आया, इसको अप्रोक्स कर दे रहा हूं 128 कर दे रहा हूं. अभी टोटल कर लेते हैं, टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 10,000 प्लस 1102 प्लस 383 11485. दूसरे का आएगा 15000 इनटू 826 इन सॉरी नॉट इनटू 15,000 प्लस 826 प्लस 510 इक्वल्स टू आया 16336. और तीसरा आया 12000 प्लस 551 प्लस 128, ये निकला 12679. ये हो गया आपका आंसर.
आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं ये सॉल्यूशन को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस इसका फुल क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको लेके अपना सम्स वगैरह बनाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन होते जाएगा और आपको आइडिया भी खुद ब खुद होते जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होने से स्क्रीन पे देखिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर जा रहा होगा, वहां पे मैसेज कीजिए या फिर कॉमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कीजिए और काइंडली इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू।